नमस्कार, साहस समाचार टीवी में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ निशा धीर। आइए रुक करते हैं दिन भर की बड़ी खबरों की तरफ। CAA के खिलाफ दायर याचिकाओं पर सुप्रीम कोर्ट 9 अप्रैल को करेगा सुनवाई। दिल्ली में कांग्रेस वर्किंग कमेटी की बैठक खत्म, चुनावी घोषणा पत्र को लेकर हुई चर्चा। शराब घोटाला केस में मनीष सिसोदिया की न्यायिक हिरासत 7 अप्रैल तक बढ़ी। चुनाव आयोग ने 1989 बैच के IPS संजय मुखर्जी को नियुक्त किया पश्चिम बंगाल का DGP। सीट शेयरिंग से नाराज उपेंद्र कुशवाहा से मिलने पहुंचे BJP नेता विनोद तावड़े। महाराष्ट्र पर NDA की बैठक टली। हरियाणा में मंत्रिमंडल विस्तार, महिपाल ढांडा समेत 3 मंत्री बने। तरनजीत सिंह सिद्धू और सीता सोरेन BJP में शामिल होने के बाद पार्टी अध्यक्ष JP नड्डा से मिले। BJP केंद्रीय चुनाव समिति की बैठक 22 मार्च तक हो सकती है, तीसरी लिस्ट पर लगेगी मोहर। लखन भैया एनकाउंटर केस में पूर्व पुलिसकर्मी प्रदीप शर्मा को उम्र कैद की सजा। UP में ED ने प्रतिबंधित आतंकवादी संगठन से जुड़े 2 लोगों को किया गिरफ्तार। कार्ती चिदम्बरम को राजीव कोर्ट ने भेजा समन, मनी लॉन्ड्रिंग केस में 5 अप्रैल को पेश होने को कहा। LVS यादव के खिलाफ गुरुग्राम में केस दर्ज, सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर से मारपीट का मामला। हेमंत सोरेन की भाभी सीता सोरेन ने JMM के सभी पदों से दिया इस्तीफा। खबरों में फिलहाल इतना ही। ऐसी तमाम अपडेट्स के लिए बने रहें साहस समाचार टीवी के साथ। नमस्कार।